हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल वीडियो है। एज यू नो कि अब आप अपना पैन कार्ड खुद अप्लाई कर सकते हो। सो आज के वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो करके बताने वाला हूँ कि कैसे आपने अप्लाई करना है। काफ़ी सिंपल एंड इजी वे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट एंड स्पेशल है, तो काफ़ी इजी सिंपल सा प्रोसेस है। अब आपको क्या करना है, वैसे मैं बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। सो आपने क्या करना है कि सामने मैंने गूगल का इंटरफेस खोल दिया, गूगल आपने सर्च करना है। देन उसके बाद जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है, ई फाइलिंग आपने क्लिक करना है। सो आपने ई फाइलिंग पे लाइक लॉग इन करना, तो ये आपकी इनकम टैक्स की साइट खुल जाएगी। तो फर्स्ट वाले पे आपने क्लिक करना है। ये सारा लाइक फैसिलिटी आपको इनकम टैक्स की साइट पे अवेल कर दी गई है। सो उसके बाद क्या करना, आपने देखो ये जैसे मैंने ओपन कर दी है, ठीक है, तो इसको यहाँ से क्रॉस कर लेते। अब यहाँ पर आपको ये फीचर दिखेगा, इंस्टेंट पैन थ्रू आधार कार्ड। सो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये आपकी इनकम टैक्स की साइट खुल गई। यहाँ पे आपने क्लिक करना है इंस्टेंट पैन थ्रू आधार। ओके, तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे, देन उसके बाद आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि गेट न्यू पैन कार्ड या चेक स्टेटस। तो स्टेटस चेक करना, वेल हम यहाँ पे न्यू अप्लाई के लिए कर रहे हैं। ओके, तो हमने न्यू पे क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना आधार कार्ड डालना है। यहाँ पे प्लीज़ एंटर योर आधार कार्ड अपने डालना है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी कि जब आपने पैन कार्ड आधार कार्ड बनवाया था तब आपने जो नंबर दिया था तो वो वर्किंग होना चाहिए, तो अदरवाइज OTP के बिना नहीं होगा। वेल इसका भी अल्टरनेटिव है, आप आधार सेंटर में जाके अपना नंबर भी अपडेट करवा सकते हो, तो ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है अगर आपका लिंक नहीं है। क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे पास लाइक जो भी हमारे रहते हैं तक उनका किसी का फ़ोन काफ़ी, क्योंकि आधार काफ़ी टाइम पहले बना था तो या चेंज कर लिया जाता है, एयरसेल का किसी का सिम था तो वो सिम भी बंद हो गए थे। सो बस यहाँ पे आपने ये आधार डालना है, एंड इसके बाद ये कैप्चा डालना है, एंड उसके बाद आई कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो ये जो डाल के उसके बाद आधार, इस पर OTP क्लिक करना है, जनरेट आधार OTP। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, देन उसके बाद OTP जाएगा। अब OTP जाएगा जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर जो आपने दिया होगा। वेल जैसे मैंने अब रिक्वेस्ट डाल दी है, तो जैसे ही OTP आता है, वेल मैं किसी का अप्लाई कर रहा हूँ एंड यू नो काफ़ी मुश्किल लगी कि ऐसा कोई बंदा ढूंढने के लिए जिसका पैन कार्ड ना हो, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास पैन कार्ड अवेलेबल होता है। सो कोशिश करते हैं। एंड वेल OTP आ चुका है, जिसको मैं बनवा रहा हूँ तो उसको मैंने लाइव ही रखा हुआ है। एंड नाउ OTP हम एंटर कर लेते हैं। लेट मी एंटर द OTP। ओके, OTP आ चुका है। एंड यहाँ पे आपने इसको एग्री पे करना है, यानी कि हाँ आप लोग एग्री हो। ओके, देन उसके बाद सिंपल से इस पर वेरीफाई एंड वैलिडेट OTP करना है। ये वैलिडेट हो रहा है एंड देखो ये हमारा वैलिडेट हो चुका है। एंड ये देखो हमारे कुछ स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जिसका भी था रजत शर्मा के नाम से, ये आपके सामने मैंने यहाँ पे लाइक स्क्रीन पे शो हो रहा है, पूरी डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूरी डिटेल्स आ गई। देन उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको एक्सेप्ट करना है, एंड इसको यहाँ से आई एक्सेप्ट पे टिक करना है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ से आपने क्लिक करना है सबमिट पैन पे। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस, आप खुद कर सकते हो। आप सभी लोग आजकल मोबाइल चलाते हैं, आजकल बच्चे मोबाइल चला लेते हैं, तो ये काफ़ी देखो अब ये क्या हो गया, थैंक यू वी आर वैलिडेटिंग योर डिटेल्स, एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे आ गया, यूज़ आधार नंबर टू लाइक ये वाला आधार नंबर आप लाइक जो आपका आधार कार्ड नंबर होता है उसी के थ्रू आप अपना पैन स्टेटस चेक कर सकते हो। ओके, एंड उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो भी लाइक मैसेज आ जाएगा हमें, एंड उसके बाद हमारा पैन अलॉट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप चेक भी कर सकते हो, देखो आपकी जो भी डिटेल्स जो आपकी पैन कार्ड पे, जो आपके आधार बेसिस पे होगी, लाइक जो अपने नाम आपका आधार कार्ड पे था तो उसी के बेसिस पे आएगी। एंड आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी डिटेल्स वगैरह हैं वो सारी लाइक जो आपके पैन कार्ड में रहेंगी एज़ पर योर आधार रहेंगी। ओके, देन उसके बाद यही सिंपल सा प्रोसेस था। नाउ यू कैन सी लाइक लिखा है यहाँ, प्लीज़ चेक द स्टेटस ऑफ द पैन अलॉटमेंट बाय क्लिकिंग हियर। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जब, ओके, तो यहाँ करना क्या, यहाँ पे आपने फिर से अपना स्टेटस चेक करने के लिए बिल्कुल सिंपल अपना आधार नंबर डालना है, जो भी आधार नंबर है, ठीक है। उसके बाद आपने आधार नंबर डालना है, एंड ये मैंने आधार नंबर डाल दिया। देन उसके बाद ये कैप्चा एंटर करना है। काफ़ी सिंपल प्रोसेस आप खुद, क्योंकि पहले ही काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस था इसमें, हेक्टिक नॉट इन दी सेंस की, बट इसमें अराउंड 1 मंथ लग जाता था इसको आने में। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छी एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, अब खुद ही अप्लाई किया जा सकता है। एंड नाउ देखो फिर से जब आप चेक करोगे तो एक OTP फिर से मांगेगा, लाइक जो आप स्टेटस चेक करना चाहोगे। तो आप यहाँ पे जैसे ही OTP के लिए मैंने रिक्वेस्ट कर दी, वैल जिसके साथ जिसका मैं बना रहा हूँ उसको मैंने ऑनलाइन ही रखा हुआ है, मैंने कहा भाई साहब ऑनलाइन रहो, जैसे जैसे OTP आएंगे तो आप बताते चलो। वैल आई थिंक उसको OTP चला गया, एंड आई जस्ट फॉरवर्ड दिस अ मैसेज कि हाँ OTP आ गया। देखो इतनी फास्ट सर्विसेज, वी आर डूइंग दिस ऑल इन 2G इंटरनेट कनेक्टिविटी, ऑल्दो आई एम फ्रॉम J&K।
So still I think I entered the wrong OTP to let me correct it. सो डन, देखो ये हो गया एंड इसको यहाँ नो थैंक्स करो, यहाँ पे डाउनलोड पैन, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक किया एंड देखो लेट मी शो यू, यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ एंड मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया एंड ये डाउनलोड हो रहा है और अब ये पासवर्ड मांग रहा है आई थिंक पैन को ओपन करने का पासवर्ड, लेट मी चेक एंड व्हाट विल बी द पासवर्ड. ओके देखो पासवर्ड में इशू इसलिए है क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम जो हमारा प्रीवियस जो हमारा पैन कार्ड ओपन होने का जो पासवर्ड था वो अलग था, बट यू नो दिस इज़ द न्यू थिंग एंड एज पर मैंने सर्च कर लिया पासवर्ड ओपन करने का कि जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ रहेगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आपने डालना है एंड फुल फॉर्मेट में डालना है, आपने कोई स्लैश वगैरह कुछ नहीं देना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आपने एंटर करना है एंड उसके बाद इसको सबमिट पे क्लिक करना है. नाउ देखो ये मैंने सबमिट कर दिया है एंड दिस इज़ द पैन कार्ड. यू नो देखो कितना इंटरेस्टिंग एंड कितने सिंपल वे में आपका ये पैन कार्ड बन गया विद इन 5 मिनट्स. सो दिस इज़ द ऑल प्रोसेस. आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई एंड अब आप खुद भी अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, अपनी मदर का, अपने फादर का, जिनका भी पैन कार्ड नहीं है, यू कैन अप्लाई इट सिंपली. सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड आप खुद कीजिए कोशिश. बेस्ट ऑफ लक.